प्यार दोस्ती ब्रेकअप और टूटे दिल को लेकर अक्सर फिल्में बनती ही रहती है। आज के युवाओं को फिल्मों का इस तरह का कंटेंट आकर्षित करता है। प्यार दोस्ती के अलावा अगर बात हो टूटे दिल की तो बात ही क्या, आज की जनरेशन में दिल टूटना तो आम बात है। तो बस ऐसी आज एक फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस फिल्म का नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। तो आइए दोस्तों आज हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिल्म की शुरुआत में फिल्म के चारों मेन कैरेक्टर के बारे में बता दिया जाता है। पहला कैरेक्टर होता है मान अरोड़ा का, जिसे कामदेव की नाजायज औलाद कहा जाता है क्योंकि उसके काम भी वैसे ही हैं। अरोड़ा हमेशा किसी नई लड़की की तलाश में रहता है और उनसे झूठ बूठ बोलकर प्यार का नाटक करता है। दूसरा नाम आता है गौरव जैन का, और वो फिलहाल तो अरोड़ा की कार के बाहर उसकी रखवाली कर रहा है। और गौरव जैन जो है वो बाबूजी का एक लौता बेटा है और वो अपने बाबूजी से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि उसके बचपन से ही उसे हमेशा मारा कूटा गया है। इसी वजह से वो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा डरता है और हाल ही में भी उसके पिता उसे घर बुला रहे हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में गौरव की अगले हफ्ते शादी है। दरअसल गौरव जो है वो अरोड़ा के लिए अपनी पिता की कार यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए अब वो इस कार को वापस करने के लिए पहुँच जाते हैं। कार को वापस करने के बाद यहाँ पर गौरव जो है वो अपना स्कूटर के साथ एक ढाबे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि उनका एक दोस्त मिलता है जो कि चाकू या फिर ब्लेड से सुसाइड करने वाला है। और हम साफ देख पाते हैं कि उसका हाल जो है वो काफी ज्यादा बुरा है। इसका नाम है राजेश खन्ना, जो कि एक दिल टूटा आशिक है। दरअसल मैं कुछ दिन पहले तक यहाँ पर खन्ना जो है वो वैशाली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही ऑफिस में रहते थे और नाइट शिफ्ट करते थे। और खन्ने को वैशाली से शिद्दत बाला प्यार है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो वैशाली के पास आता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में वैशाली तो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में वैशाली तो अपने बॉस नवीन के साथ ऑफिस के अंदर इंटीमेट हो रही है। ये देखकर खन्ना जो है वह पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, उसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया था। इसलिए अब खन्ने का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। तब मरने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखता है जिसमें उसने वैशाली के बारे में लिखा था। और क्योंकि खन्ने का बॉस नवीन ही है इसलिए उसने जॉब भी छोड़ दी थी। यहाँ पर छोटी छोटी बात पर खन्ने को गुस्सा आ जाता है और थोड़ी सी देर में वो भूल भी जाता है। यहाँ पर अरोड़ा कहता है कि ढाबा कोई मूव ऑन करने की जगह है, उन्हें तो क्लब जाना चाहिए। लेकिन क्लब जाने के लिए उन्हें स्कूटर नहीं बल्कि कार की जरूरत पड़ने वाली थी। और तभी यहाँ पर चौथे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिनका नाम है मिस्टर हनी सिंह। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि हनी पाजी जो है वो एक बहुत ही रईस आदमी है। दरअसल में हनी पाजी के 50 ट्रक चलते हैं और उन्हें अपनी दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों से प्यार है, एक तो अपने पिताजी जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं और दूसरी है पारो, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कोई लड़की नहीं बल्कि उनकी कार होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ढाबे पर जब हनी पाजी यहाँ पर खन्ने को देखता है कि इसका तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, तो वो लोग उसे खन्ने की हालत के बारे में बताते हैं कि उसका दिल टूट चुका है। और तभी यहाँ पर वैशाली का कॉल जो है वो खन्ने के पास आता है और वैशाली यहाँ पर खन्ने को बुरी तरह से चिल्लाती है कि उसने मेरी फोटो जो है वो फेसबुक पर लाइक क्यों की है। उसकी शादी होने वाली एक हफ्ते के बाद और वो ऐसी हरकतें कर रहा है, जिस वजह से उसे यहाँ पर फिर से रोना आ जाता है। अरोड़ा यहाँ पर उसे समझाता है कि उसने तेरे साथ इतना बुरा किया है, तुझे उससे बोलना होगा कि आई एम ओवर यू। इसलिए अरोड़ा जो है वो उसके पास कॉल करने लगता है, लेकिन तब यहाँ पर हनी पाजी रोकता है और कहता है कि ये बात तो सही है कि तुम्हें उससे आई एम ओवर यू बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कॉल पर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर नजरों के सामने बोलना होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर खन्ने जो है वो डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसा ही करेगा। और आज रात वो लोग पठानकोट जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वैशाली की शादी उसके बॉस नवीन से होने वाली है। और खन्ने सभी के सामने वैशाली को आई एम ओवर यू बोलेगा, लेकिन गौरव नहीं जाने वाला था क्योंकि वो बाबूजी को क्या बताएगा, एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। लेकिन अरोड़ा उसे समझा लेता है कि 3 घंटे का रास्ता जाने का है और 3 घंटे में ही वापस भी आ जाएंगे, मतलब 6 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर गौरव भी मान जाता है और फिर ये चारों मिलकर पठानकोट की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि रस्ते भर में ये लोग बहुत सारी शराब पीते हैं, गौरव को छोड़कर क्योंकि वो फुल ऑन वेजिटेरियन है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं टोल गेट पर, जहाँ पर कि एक लड़का जो है वो इनसे 53 रुपए मांगता है लेकिन पर्ची नहीं दे रहा था। तो खन्ने उससे उल्टी सीधी बातें बोल देता है
और यहाँ पर वो लड़का जो है वो खन्ने को नस्सू बोल देता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर हनी पाजी उसे मारकर जमीन पर फेंक देते हैं, लेकिन तभी वो लड़का जो है वो अपने लोगों को बुला लेता है। लेकिन हनी पाजी का भागने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था, इसलिए अरोड़ा और हनी पाजी मिलकर उन दोनों को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर वो लड़का जो है वो और भी लोगों को बुला लाता है, जो देखकर यहाँ पर हनी बाजी पूरी तरह से डर जाते हैं और अब तो वो बस भागने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी खन्ने के अंदर अचानक से चूचा आ जाता है और वो यहाँ पर मूत कर पूरी की पूरी जगह में आग लगा देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और मौका देखकर वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका सफर फिर से जारी हो चुका था, लेकिन शराब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी लोग ये देखते हैं कि बाजू में ही एक जगह पर शादी हो रही है, तो पठानकोट वो लोग थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं। पहले वो इस पार्टी को अटेंड करेंगे जहां पर कि उन्हें फ्री की दारू और फ्री का खाना मिलेगा, और यहीं पर पहली बार गौरव जैन ने भी शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे चढ़ गई थी। और फिर वो चारों मिलकर यहाँ पर डांस करने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग उठते हैं तो उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर गौरव का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था क्योंकि उसने पहली बार पी थी। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो गौरव को देखकर जीजू जीजू कहकर भागने लगता है। तभी यहाँ पर राधा नाम की एक लड़की आती है जिसकी रात को शादी हुई है, और वो यहाँ पर गौरव को एक स्माइल देकर यहाँ से चली जाती है। पर इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कल रात को हुआ क्या, क्योंकि उन्हें तो पीने के कारण कुछ भी याद नहीं था। तभी यहाँ का एक छोटा सा लड़का जो है वो उन्हें बताता है कि कल रात दरअसल में लड़के वाले जो है वो शादी हो जाने से पहले दहेज मांग रहे थे, तो गौरव ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी और उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया। तो पूरी बारात जो है वो वापस जा चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर अब दुल्हन से शादी कौन करेगा। तब यहाँ पर इसका जिम्मा भी गौरव लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। दरअसल में गौरव जो है वो दहेज के पूरी तरह से खिलाफ है। तो रात को नशे की हालत में होने के कारण यहाँ पर गौरव ने उस लड़की से शादी कर ली थी और उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर गौरव जो है वो पल भर के लिए सदमे में चला गया था, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी शादी है और वो अपने बाबूजी को क्या जवाब देगा। तभी उसके बाबूजी का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही अपने घर पर बुलाते हैं। बाबूजी की बात वो नहीं टाल सकता था, इसलिए बोन से कह देता है कि वो जल्द ही घर पर आएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें यहाँ का मामला निपटाना था। यहाँ पर राधा के पिता से वो लोग बात करते हैं और बताते हैं कि हाल फिलहाल में तो वो राधा को यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, वो विदाई बाद में कर लेंगे। लेकिन तभी लड़की का पिता जो है वो अपने माथे पर गन रख लेता है और कहता है कि उसकी दो लड़की पहले ही भाग चुकी है और तीसरी का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर ना चाहते हुए भी उन्हें राधा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। तो अब उनके सफर में राधा भी जुड़ चुकी थी और राधा उनसे कहती है कि सबसे पहले वो लोग कुल देवी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी है कि सबसे पहले वो कुल देवी की मंदिर ही जाएंगे। यहाँ पर गौरव और राधा जो है वो कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि गौरव जो है वो मौका देखकर ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और यहाँ अपने दोस्तों से कह देता है कि वो हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर हनी पाजी को ये एहसास होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो यहाँ से वापस जाते हैं और वापस जाकर वो राधा को अपने साथ वापस ले आते हैं। बाद में सभी लोग यहाँ पर खन्ने की स्टोरी जो है वो राधा को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आई एम ओवर यू बोलने के लिए वो लोग पठानकोट जा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर राधा जो है वो उन्हें सजेशन देती है, वो खन्ने को बताती है कि तुम्हारी हालत जो है वो आई एम ओवर यू बोलने लायक नहीं है, बल्कि गेम ओवर टाइप लग रही है, इसलिए तुम्हें उसे चलाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, और लड़की भी उसके पास है, उसकी एक फ्रेंड है जो कि पास ही के कॉलेज में है जिसका नाम पलक है। तब वो लोग पलक के पास जाते हैं, लेकिन पलक बताती है कि उसका अगले दिन तो एग्जाम है, इसलिए वो नहीं जा सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसी कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है मीरा नाम की लड़की से, जो कि काफी तेज है, और वो यहाँ पर पहले तो इनकी बात नहीं मानती है, लेकिन बाद में कुछ गुंडे जो है वो उसकी बाइक की सीट ले जा लेते हैं और मीरा को अर्जेंटली ही किसी का माल डिलीवर करना था, इसलिए मीरा जो है वो इनकी बात मान जाती है और कहती है कि पहले वो लोग रास्ते में मेरा काम करेंगे, बाद में वो वहां चलेंगे। तभी यहाँ पर एक लड़की थी जिसने गौरव और राधा को साथ में देख लिया था,
इसलिए उन्होंने उसके बाबूजी को कॉल कर दिया था और सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीरा जो है दरअसल में एक स्मगलर है और वो कुछ ड्रग्स के पैकेट जो है वो डिलीवर करने के लिए कुछ लोगों के पास जा रही थी। इन लोगों ने वो सीसी देख भी ली थी, लेकिन मीरा बताती है कि ये उसकी होम्योपैथिक की गोलियां हैं। और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी हनीपा जी देखता है कि उसके ट्रक को कुछ पुलिस वालों ने रोका है, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मान रहा था, बल्कि यहाँ पर इंस्पेक्टर ने हनीपाजी के पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी थी, जिस वजह से हनीपाजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस इंस्पेक्टर को चांटा लगा देता है। तब यहाँ पर गौरव जो कार में बैठा हुआ था तभी उसकी अचानक से नजर पड़ती है उसकी स्कूटर पर, जो कि उसके पिता की देन है। ये देखकर गौरव जो है वो यहाँ पर हनीपाजी की पारों को लेकर उस स्कूटर के पीछे लगा देते हैं और यहाँ पर मौका देखकर हनीपाजी और अरोड़ा जो है वो अपनी कार का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर वो छोटा सा लड़का था, उसका पीछा करते हुए यहाँ पर गौरव जैन ने कार को रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर ठोंक दी थी, जिस वजह से वो वहीं पर रुक गई थी। और यहीं पर एक ट्रेन भी आने लगती है, तब यहाँ पर हनीपाजी उसे निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेन बहुत ही नजदीक आ चुकी थी, लेकिन हनीपाजी अपनी पारों से नीचे नहीं उतरते हैं क्योंकि पारो उनकी जान है। लेकिन हनीपाजी और पारो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ट्रेन जो है वो दूसरी पटरी से निकल जाती है। ये देखकर सारे दोस्त जो है वो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी पीछे खड़ी हुई है जिसका नाम है पुलिस, और पुलिस यहाँ पर इन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और बाद में सभी लोग मिलकर खन्ने की स्टोरी जो है वो इंस्पेक्टर को सुनाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हनीपाजी कहते हैं कि इन सब की कोई भी गलती नहीं थी, चाटा मैंने आपको मारा था तो इनको जाने देना चाहिए क्योंकि इनका जाना बहुत जरूरी है। तब इंस्पेक्टर बाकी के दोस्तों को छोड़ देता है और हनीपाजी को लॉकअप में ही बंद रहने देता है। तब यहाँ पर रात को पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है और उन्हें एक अर्जेंट काम के लिए बाहर बुलाया जाता है। तब सारे पुलिस वाले चले जाते हैं और तभी यहाँ पर अरोड़ा और खन्ने आकर हनीपाजी को भी जेल से छुड़ा लेते हैं। दरअसल में ये लोग कहीं गए ही नहीं थे, बाहर से इन्होंने पुलिस वालों को कॉल कर दिया था। बाद में हम देखते हैं कि इनका सफर फिर से चालू हो चुका था। ये लोग गुरदासपुर रुकते हैं जहाँ पर कि मीरा को अपना पैकेट डिलीवर करना था। वो जैसे ही उन लोगों के पास जाती है तो उसे माल का सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए दिया जाता है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी, लेकिन बात 5 लाख रुपए की हुई थी। लेकिन फिर भी वो अपना पैसा लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी मीरा जो है वो उस गुंडे को किसी से बात करते हुए सुनती है और मीरा को यहाँ पर मालूम चलता है कि इस माल की कीमत दरअसल में 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 40 लाख रुपए है। तब यहाँ पर वो उनकी गन को छीन कर उस पैकेट को वापस ले जाने लगती है और यहाँ पर कुछ पैसे भी थी, वो उन पैसों को भी अपने पास रख लेती है। लेकिन अब वो गुंडे जो है वो इनका पीछा करने लगे थे और इनके ऊपर गोलियां भी बरसाने लगे थे। उन्हीं में से एक गोली जो है वो यहाँ पर खन्ने को पिछबाड़े में लग जाती है, जिस वजह से उसका बहुत बुरा हाल था। और गोलियों की फायरिंग में गलती से एक गोली उन गुंडों की कार में लग जाती है, जिस वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है और उनका रास्ता जो है वो जाम हो जाता है। तो अब क्योंकि खन्ने के पिछवाड़े में गोली लगी थी, इसलिए अब उसके पिछवाड़े में गोली निकालने के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में ये हॉस्पिटल जानवरों का हॉस्पिटल है, लेकिन उसके पिछवाड़े से गोलियां तो निकालनी थी, इसलिए यहाँ पर जानवर के हॉस्पिटल में ही उसके पिछवाड़े से गोली सही सलामत निकाल दी जाती है। बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि गुंडे जो है वो इनका इंतजार कर रहे हैं और वो यहाँ पर मीरा के बारे में पूछती हैं, लेकिन मीरा तो यहाँ पर पारो को लेकर फरार हो चुकी थी। और वो गुंडे कहते हैं कि जब तक उन्हें मीरा नहीं मिलती है तब तक वो राधा को अपने पास रखेंगे और जब वो मीरा को हमारे हवाले कर देंगे तब वो राधा को भी छोड़ देंगे। तभी यहाँ पर पाजी जो हैं वो सभी ट्रक वालों के पास कॉल करते हैं, उनके जितने भी 50 ट्रक हैं उन सभी ड्राइवर के पास कॉल करके पारो को ढूंढने का काम दे देते हैं। और यहाँ गौरव जो है वो अब आगे उनका साथ नहीं देने वाला था क्योंकि गौरव ने अपने पिता को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी और अब वो जल्द ही उन्हें लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन गौरव का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रक वाले जो है वो पारो को ढूंढने में लग चुके थे और फाइनली उन्होंने कार को ढूंढ भी लिया था जिसमें मीरा थी, लेकिन उसे वो लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि अरोड़ा जो है वो यहाँ पर मीरा को पसंद करता है, जिस वजह से उसने उसे कुछ भी नहीं होने दिया था। जिसके बाद इन सभी लोगों ने मीरा को लेकर उन गुंडों के पास गए थे जहां पर कि मीरा के बदले वो लोग राधा को छुड़ाने वाले थे। लेकिन तभी यहां पर वो उस ड्रग्स की बोतल को अरोड़ा निकाल लेता है और कहता है
कि मीरा को छोड़ो वरना वो इस ड्रग्स को मुर्गियों को खिला देगा। लेकिन अचानक ही उस बोतल की ढक्कन खुल जाता है और सारी गोलियां बह जाती है, जिस वजह से अब गुंडों को गुस्सा आ चुका था और अब वो इन्हें मारने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है गौरव की, जो कि यहाँ पर नशीले धुएं से सभी का ध्यान भटका देता है और सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते हैं। जिस जगह से वो लोग बाहर निकल रहे थे, वो जगह पर एक शादी हो रही थी और वो शादी किसी और की नहीं बल्कि नवीन और वैशाली की हो रही थी, जो कि खन्ने की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये देखकर यहाँ पर खन्ने जो है वो फैसला कर लेता है कि वो यहीं पर सभी के सामने वैशाली को आई एम ओवर यू बोलेगा। तो भाई गुंडे भी अब शादी में घुस चुके थे, लेकिन वो ज्यादा पंगा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर खन्ने ने बहुत सारी शराब पी ली थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने वैशाली आती है और वैशाली उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वैशाली को देखकर खन्ने का दिल पिघल चुका था, लेकिन अचानक से वो कमरे के अंदर चली जाती है और उस कमरे के बाहर DND का टैग लगा हुआ था, जैसा कि उस रात ऑफिस की गेट पर लगा हुआ था। इसलिए खन्ने अंदर नहीं जाता है और बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वो गुंडे जो है वो शादी में घुसकर अब इनको मारने वाले थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद बस अब इनकी जान जाने वाली है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस एंट्री मारती है और इन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। और अब सभी लोग मिलकर कमरे के बाहर वैशाली के इंतजार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वैशाली जो है वो कमरे के बाहर रोते धोते आती है। दरअसल में यहाँ पर हम नवीन को देख पाते हैं, जो कि अपने कपड़े पहनता हुआ बाहर आ रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि नवीन जो है वो किसी और लड़की के साथ लगा हुआ था। ये देख कर वैशाली आकर तुरंत ही खन्ने को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी प्योर नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये देखकर खन्ने भी कहीं ना कहीं पिघल चुका था। वो यहाँ पर पहले तो उसे एक सॉन्ग सुनाता है, जो सॉन्ग सुनकर वैशाली जी पूरी तरह से खुश हो जाती है, लेकिन बाद में वो आखिर में उसके मुंह पर कहता है कि आई एम ओवर यू। और ये सुनकर तो वैशाली के चारों खाने चेत हो जाते हैं और ये देखकर उसके सारे दोस्त भी इंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वो जो काम करने के लिए आए थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। आखिर में अरोड़ा और मीरा एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अगले ही पल मीरा जो है वो गायब हो जाती है। तो आखिर में हम देखते हैं कि खन्ने का मूव ऑन जो है वो पूरी तरह से हो गया था और इसी के साथ ये वीडियो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।